फाइनली गाइज आज हमारे साथ हैं गोलू और मोलू। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आज ये दोनों दोस्त जा रहे हैं घूमने के लिए पहाड़ी पर। देखते हैं आज इनके साथ क्या होता है। गोलू भैया थोड़ा धीरे चलो यार, मैं थक गया हूँ। अरे यार मोलू, तू थोड़ा आराम से ही चल रहा है, सबसे आराम से ही चल रहा है, थोड़ा तेज भी चल ले यार। अभी अपन को पहुंचना भी है यार, देख रात हो गई, अभी अपन को वापस घर पे भी आना है। गोलू भैया मैं आपकी तरह स्पीड नहीं चला सकता ना। नहीं अरे यार मोलू, तू अभी बच्चा नहीं है यार अभी। अबे यार ये गाइस, इनको तो मुझे लगता है आज गुंडे मिल गए हैं गोलू और मोलू को। देखते हैं इनके साथ आज क्या करते हैं गुंडे। ये इन गुंडों से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। hey, लड़के तुम्हारे बैग में क्या है? भैया मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं है, हमारे खाने का चिप्स कुरकुरा है। जो भी कुछ है हमारे दे दे, हमारे पास दे। बचाओ बचाओ बचाओ, ये तो हमें बिंदुक दिखाने कोई है तो बचाओ बचाओ। hey, ये किसकी आवाज आ रही है? ये लोग तो मुझे कसरत भी नहीं करने देते हैं, लगता है किसी बच्चे की आवाज आ रही है। तो दोस्तों इनको आज हल्क ने इनकी आवाजें सुन लिए, देखते हैं हल्क इनकी मदद करने जाता है या नहीं जाता। अभी हल्क तो इनकी मदद करने के लिए पहुंच गया है। तो गाइस देखते हैं हल्क इन गुंडों का क्या करता है। तो हल्क फाइनली हल्क इन गुंडों को मारने लगता है। गाइस देखो यार इन बच्चों की कैसे हल्क जान बचा रहा है, देखो इनका क्या हाल करता है हल्क। हल्क ने यार मार मार के इनका तो कचुम्बर ही निकाल दिया है। दोस्तों देखो यार अभी बच्चा मुझे लगता है अभी होश हो गया है यार। गाइस अब हल्क इस बच्चे को उठा के लेके जाएगा अपने पहाड़ी पर और इसको पूछेगा कि तुम कहाँ पे रहते हो, कैसे रहते हो। हल्क ने इस बच्चे की जान बचाई, मुझे तो लगता है हल्क को इससे लगाव हो गया है। ये बच्चा देखो कितना मासूम बच्चा है, इसको उठा के अपनी गोद में ये लेके जा रहा है पहाड़ी पर। तो गाइस देख रहे हो किस तरह हल्क ने इस बच्चे की जान बचाई है। अब लगता है मेरे को हल्क इसको यहाँ पे छोड़ के पूछेगा कि यार बच्चे तुम कहाँ से रहते हो, कहाँ पे यार। हल्क तो इस बच्चे को बहुत ही चाहने लगा है मुझे तो लगता है यार। अभी यार हल्क अभी बच्चे को उठा रहा है। तुम कहाँ से आए हो? उठो बच्चे उठो। अंकल मुझे आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका बर रहूं, मैं आपके साथ रहूंगा, जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा। अभी मेरे माता पिता हो आप ही सब। बेटे यार ऐसी कोई बात नहीं है, चल तू हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेगा। अभी मैं देखता हूँ तेरे को कौन मारता है कौन छेड़ता है। Many months later. तो दोस्तों फाइनली अब गोलू भी हो चुका है पूरे 25 साल का और ये वैसे ही हल्क के साथ ही रहने लग गया था। तो अब ये हल्क को ही माता पिता समझता है और हल्की इसके पिता है। पापा पापा मेरे साथ चलो यार, आप घूमने चलते हैं अब। अबे यार बच्चे तू अकेला मत जा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। और देखते हैं गाइस ये फाइनली दोनों जा रहे हैं बापू और बेटे घूमने के लिए। देखते हैं ये हल्क के साथ इनकी घुमाई कैसी रहती है। बेटे यार मोटरसाइकिल तू आराम से चला। ए पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आराम से ही तो चला रहा हूँ। अरे बेटे यार तू समझा कर, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। पापा उबे यार ये तो हल्के और मोटरसाइकिल पे टक्कर मार दी किसी ने यार। अभी पापा तुम ठीक तो हो ना? बेटे मैं ठीक हूँ, तू मोटरसाइकिल उठा। कोई बात नहीं होता रहता है छोटा मोटा एक्सीडेंट तो। चलो फाइनली गाइस इन्हों सब। उबे यार ये कौन आ रहा है, ये मान नहीं रहे हैं यार, इसको मैं बताऊं क्या बेटा? नहीं पापा रहने दो, आप इसको मत मारना, आपके एक मुक्के में इसे मर जाएगा, फिर हमें पुलिस केस हो जाएगा। बेटे यहाँ से निकलते हैं। फाइनली ये गाइस यहाँ से निकल चुके हैं हल्क और उसका बेटा गोलू जिसकी उसने जान बचाई थी। यहाँ से निकल के देख बे यार गाइस इनको तो फिर से टक्कर मार दी। मुझे तो लगता है गाइस इनके पीछे कोई इनको मारने के लिए पड़ा। बे यार ये गोलू कहाँ भग गया है अपने पिताजी को छोड़ के यार, ये तो बहुत ही मतलब है यार। इसने तो अब उसके हल्क ने इसकी जान बताई थी और ये कोई छोड़ के अकेला ही भग रहा है यार। गाइस यार ये तो बड़ी गंदी बात है यार। गाइस देखो यार ये तो गोलू अपने पिताजी को छोड़ के भग आया है यार, क्या करे ये भी अकेला है। अभी मुझे तो लगता है वापस इस रोड से घूम के देखने जा रहा है कि हल्क का क्या हाल है। अब हल्क उस देखने जा रहा है कि हल्क ठीक है या नहीं है। तो यार देखते हैं यार। बे यार गाइस ये तो बड़ी धीरे चला रहा है गाड़ी, किस खेतों में से बढ़ के जा रहा है यार ये तो। यार मुझे तो लगता है हल्क की उन्होंने बुरी हालत कर दी होगी। गाइस आपको क्या लगता है यार? अब यार मेरे को तो लगता है हल्क नीचे धरती में पड़ा है यार। अबे गोलू यार तूने ये क्या करवा दिया, मुझे तो लगता है हल्क की। अबे यार गाइस हल्क तो मर चुका है यार, हल्क का उन्होंने एक्सीडेंट में हाथ पैर तोड़ दिए यार। गाइस अबे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, हल्क ने मेरी जान बचाई थी, मैं इसका बदला जरूर लूंगा यार। हल्क को मार दिया, किसने मारा? मैं हल्क को जिसने भी मारा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं हल्क का ये बदला जरूर लेके रहूंगा। चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाओ, मेरी आंखों में गुस्सा ही गुस्सा, नफरत ही नफरत।
आता है। अब मैं ये बदला ज़रूर लेके रहूँगा क्योंकि हल्क ने मेरी बचपन में जान बचाई थी। आज हल्क नहीं होता तो मैं मर चुका होता, और हल्क के बिना, हल्क ही मेरा सब कुछ था यार, मेरे गाइस यार, मेरे माता पिता भी हल्क ही थे यार, हल्क ने मेरी जान बचाई थी, मैं बचपन से इनके साथ ही रह रहा हूँ यार। गाइस देखो यार, इंसानों ने इनका क्या हाल कर दिया, इनके हाथ पैर काट दिए इन्होंने, इंसानों का क्या बिगाड़ा था। फाइनली ये लोगों की मदद ही करते रहते हैं, ये इंसानों से मुझे बहुत नफरत है। ये यहाँ पे क्या करने वाले, ये ले तू, यहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं दिखना चाहिए मेरे को। अब मेरे को इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत है, मेरे को जो भी मिलेगा मैं उसको मार दूं। फाइनली गाइस देखो यार, गोलू में कितना गुस्सा आ गया है क्योंकि हल्क को किसी ने मार दिया है यार। तो यार अब हल्क की आत्मा को शांति के लिए वो उस पे आंच लगा। अब इसमें से हल्क की गामा रेमेंट एनर्जी निकल रही है और इसमें आ जाएगी गोलू में, देखते हैं यार। फाइनली गाइस मुझे तो लगता है हल्क की सारी गामा एनर्जी इसमें आ गई है। अब देखते हैं ये कैसे बदला लेता है अपने पिताजी का, अपने हल्क का यार। तो गाइस यार देख रहे हो कि हल्क की चिता को आंच लग चुकी है और हल्क की सारी गामा रेमेंट पावर्स आ चुकी है गोलू में। अब इसमें सारी हल्क की पावर आ चुकी है, देखते हैं ये अपने बदला कैसा लेता है। और गाइस आप देख रहे हो कि इसमें यार ये बेहोश हो चुका है और इसमें अब आ गई हल्क की सारी पावर। और देखते हैं कि अब ये क्या करता है और कैसे फाइनली दोस्तों लोग अपने हल्क का बदला लेता है यार। गाइस ये तो बहुत ही उदास है क्योंकि इसने अपने हल्क को खो दिया है और हल्क की पावर इसमें आ चुकी है क्योंकि अब ये बदले की आग में बहुत ही ज्यादा नफरत आ चुकी है इसमें। और गाइस देखो अब ये पूरी तरह हल्क बन चुका है। अब ये देखता है गाइस, अब ये लेगा पूरी तरह बदला। अब मैं बताऊंगा किसने मारा था मेरे हल्क को, अब मैं देखूंगा कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अब मैं उनको गाइस जा रहा हूँ मारने के लिए जिन्होंने हल्क के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी और मेरे को भगने पर मजबूर किया था। अभी देखता हूँ गाइस, देखो यार मेरी पावर एक मुक्के में मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कहाँ पे हैं वो सब जिन्होंने मेरे कार पर कार चला के मेरे हल्क को मार दिया था। और देखता हूँ गाइस सारे इंसानों को मैं मारूंगा, ये लो मेरी पावर, तुम लोगों ने मेरे हल्क को मारा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ये लो हमारी पावर, देखो अब मैं तुम यार। वो रेड कार वो जा रही जिन्होंने मेरे हल्क को मारा था, अभी मैं बताता हूँ इसको, रुक बे यार, सारी रेड कार जितनी ये सबको मैं मार डालूंगा अभी यार, तू तो रुक, तेरे को तो मैं भी बताता हूँ, रुक आंटी रुक, तेरा तो मैं फुटबॉल बना दूंगा। तो गाइस हल्क ने इसकी फुटबॉल बना दी। हल्क को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि गोलू में हल्क की पावर आ चुकी है और ये अभी इंसानों को छोड़ नहीं रहा। जो भी इसको दिख रहा है देखो, इसको फायरिंग से भी इसको कुछ भी नहीं हो रहा है यार। अभी यार ये इंसान लोग भी देखो, अभी मैं बताता हूँ इनको यार कितना गुस्सा दिला रहे हैं मेरे को। देखो तोप से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम तोप से, जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं लूंगा, जब तक तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। तुम लोगों ने मेरे हल्क को मारा, हल्क ने मेरी जान बचाई थी। गाइस अब मैं जा रहा हूँ, अपना बदला तो मैंने ले ही लिया, मैं जा रहा हूँ वापस उसी पहाड़ी पे जहाँ पे मैंने अपने हल्क को जलाया था। वहाँ पे जाके मेरे को हल्क को बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, मैंने हल्क का बदला पूरा ले लिया है, अब हल्क की पावर मुझसे छिन जाएगी। अब यार मैं हल्क को जिंदगी भर याद रखूंगा कि हल्क यार मेरी जान बचाई थी, मैंने हल्क का बदला पूरा ले ही लिया है। अब मैं देखता हूँ कि हल्क के सामने और मेरे सामने कौन आता है यार। हल्क इतना पावरफुल था तो फिर यार उन्होंने मार कैसे दिया यार। मुझे तो लगता है यार उन लोगों ने तोप का या भारी मिसाइलों का सा इस्तेमाल किया होगा जिससे उन्होंने हल्क को मारता। मेरी यार पावर चली गई है, मैं हल्क से सीधा गोलू बन चुका हूँ। बे यार गाइस यार मेरे को बहुत ही ज्यादा याद आ रही है हल्क की यार, मेरे को यहाँ वहाँ सब कहीं हल्क दिखाई दे रहा है क्योंकि हल्क ने मेरी जान बचाई थी। तो गाइस लगी तो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करना जरूर।